सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आज बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो होने वाला है सेकंड टेस्ट मैच उसके बारे में। लेकिन उसके पहले हम बता दे रहे हैं कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तीन ग्रैंडले की टीम, स्मॉलले की टीम आपको हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे अगर देना हो तो। बाकी ग्रैंडले की तीन टीम्स दे रहे हैं और अगर टीम देना है एक्स्ट्रा मुझे तो यहाँ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको, जो जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं मैच स्टार्ट की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेन्यू में दिखा रहा है न्यूलैंड्स कैप टाउन में बॉलिंग ट्रैक है और गुड फॉर पेसर्स है और टोटल विकेट कहीं पेसर्स 134 बाई डोमिनेट किए हैं और यहाँ पे स्पिनर्स 49 जो कि पेसर्स है काफ़ी कम है। और अगर बात कर ले यहाँ की, देखिए ये पिच जो है ये पिच अक्सर बैटिंग बॉलिंग फ्रेंडली ही जाना जाता है और काफ़ी अच्छा बाउंस मिलता है। फर्स्ट टीम मेरी यहाँ पे गेल राहुल रहेंगे। बात कर ले अगर देखिए के वेरियन को भी लेना अच्छा है क्योंकि देखिए बॉलिंग ट्रैक है जो है इनको विकेट कीपिंग तरफ से पॉइंट्स मिल जाएगा, बाकी बैटिंग तरफ से इनका चांस ले सकते हैं क्योंकि अगले टीम में हम मेंशन इनको किए हैं। बाकी डी एल्डर विराट कोहली ये दोनों एक अच्छे खासे ऑप्शंस रहेंगे। टी डी जॉर्जी यहाँ पे एक अच्छे एक ट्रम्प कार्ड पिक हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो एम जैक्सन रविंद्र जडेजा अगर खेलते हैं तो रखेंगे, वरना यहाँ पे ड्रॉप करके किसी उनके जगह किसी और को मेंशन किया जाएगा। बाकी बात कर ले शार्दुल ठाकुर यहाँ पे एक रहेंगे इंपॉर्टेंट पिक क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, लास्ट मैच में आपको यहाँ पे दिख चुका था। बाकी बात कर ले केशव राबाडा जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज तीनों पेसर्स और यहाँ पे एक नोहन बर्गर जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे बात कर ले कप्तान वाइस कप्तान की, देखिए कप्तान के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, रोटेट करते रहिए उसी में क्योंकि चार पाँच टीम आपको बनाना है ग्रैंड लीग की। तो फर्स्ट टीम ये रहने वाली है, सेकेंड टीम की तरफ बढ़े अगर तो सेकंड टीम में हम दोनों विकेट कीपर को यहाँ पे मेंशन किए हैं। बात कर ले बॉलिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में तो विराट कोहली डी एलगर रहेंगे, रोहित शर्मा को हम थर्ड वाले में मेंशन किए जिसमें थोड़ा सा रिस्क लेना हो, वाई जायसवाल और यहाँ पे टी डी जॉर्जी ये दोनों ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं क्योंकि दोनों पास स्कोर करने का काफ़ी क्षमता है। लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल फर्स्ट टेस्ट में परफॉर्म नहीं किए हैं दोनों इनिंग्स में, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा ग्रैंड लीग में तभी आप कुछ कर पाएंगे। बाकी बात कर ले ऑलराउंडर सेक्शन में तो एम जैक्सन रहेंगे। बात कर ले बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ पे चार वही सेम बॉलर्स और यहाँ पे एन बर्गर हो जाएंगे एक अच्छे खासे ऑप्शंस जो कि अच्छे खासे फॉर्म में है। बाकी बात कर ले कप्तान वाइस कप्तान की तो कप्तान वाइस कप्तान वही रहने वाले हैं, टीम प्रीव्यू एक बार देख लीजिए ये टीम रहने वाली है। थर्ड टीम की तरफ बढ़े अगर तो ये मेरी थर्ड टीम रहने वाली है। इसमें क्या आप देख सकते हैं दोनों विकेट कीपर को हम उठाए हैं जो कि बात वही रहने वाली है कि पेसर्स यहाँ पे डोमिनेट करेंगे स्पिनर्स से और स्पिनर्स से ज़्यादा और बैट्समैन से ज़्यादा। बात करें रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों इंडिया तरफ से रहेंगे, डी एलगर और एडम माक्रम ये दोनों रहेंगे। यहाँ पे ट्रम्प कार्ड लिए हम एडम माक्रम को और यहाँ पे डी बेडिंगम हो जाते हैं, क्या बोले ट्रम्प कार्ड पिक समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, इनको एक तरफा हम रिक्स यहाँ पे लिए हैं और परसेंटेज लो है इसलिए यहाँ पे एम जैक्सन हो जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में तो जे बुमराह और जसप्रीत बुमराह के रबाडा और यहाँ पे एन बर्गर। देखिए अगर आपको रिक्स लेना है ना तो यहाँ पे आप किसी को ड्रॉप करके यहाँ पे जैसे सिराज को ले सकते हैं, यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा हाईली टीम हो जाएगा। तो एक टीम हम और एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो कि बॉलिंग को फेवर करेगा, वो टीम आपको यहाँ पे तुरंत दिखाते हैं। ये देखिए इस टीम का प्रीव्यू ये है। तो बढ़ते टीम फोर की तरफ, ये एक हाईली रिस्की टीम होने वाली है। यहाँ पे देखिए दोनों विकेट कीपर को हम यहाँ पे उठा लिए हैं। बाकी बात कर ले बैटिंग सेक्शन में तो विराट कोहली और डी एलगर ही रहेंगे क्योंकि दोनों ही एक हैं जो कि फॉर्म में चल रहे हैं बैटिंग के फेवर में। बाकी बात कर ले ऑलराउंडर सेक्शन में तो एम जैक्सन और यहाँ पे शार्दुल ठाकुर ये दोनों अच्छे खासे पिक हो जाएंगे। बाकी बात करें बॉलिंग सेक्शन में तो जसप्रीत बुमराह केशव राबाडा मोहम्मद सिराज ये सारे प्लेयर्स एक अच्छे हैं, नॉटी बर्गर भी एक अच्छे से ऑप्शन हो जाएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा इनकी जगह आप ड्रॉप करके यहाँ पे केशव महाराज को खिला सकते हैं और खेलते हैं तो, फिलहाल अभी नहीं खेल रहे तो फिलहाल प्रसिद्ध कृष्णा ही रहेंगे सबसे अच्छे बेस्ट ऑप्शन में। तो ये टीम रहने वाली है। लास्ट के लिए कोई भी अपडेट मिलेगा सीधे आपको टेलीग्राम चैनल पे चल जाना है, वहाँ पे आपको टीम स्मॉल लीग की मिल जाएगी, ग्रैंड लीग की अगर टीम हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो टीम भी आपको मिल जाएगी। तो बस जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको और ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, मिलते हैं मैच के समय।